दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरिंदर सिंह ढिल्लो कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। जी हां, आपको बताया चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान से पहले पूर्व आईपीएस अफसर और पंजाब के एडीजीपी रहे गुरिंदर सिंह ढिल्लो आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि मंगलवार यानी कि 30 अप्रैल को कांग्रेस के नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, गुरिंदर सिंह ढिल्लो की पत्नी और बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे। अब चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस गुरिंदर सिंह ढिल्लो को फिरोजपुर सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरिंदर सिंह ढिल्लो ने हाल ही में वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जिसे पंजाब सरकार ने मंजूर कर लिया था। उस समय से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी वह राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद न करते हुए बस यह कहा था कि इस पर उनका परिवार फैसला करेगा। वीआरएस के 6 दिन बाद ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने सारे कयासों पर मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गुरिंदर सिंह ढिल्लो ने कांग्रेस के आलाकमान नेताओं का स्वागत किया और कहा कि नेतृत्व की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह शिद्दत से पूरा करेंगे। सो आई एम हियर एट एआईसीसी हेडक्वार्टर्स एज मेंबर ऑफ द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया द कांग्रेस पार्टी। आई एज देवेंद्र जी हैज सेड I served my state for about 2 decades as police officer with the grace of Akalpur Phai Group. And I am sure I am here also with the grace of God. Above all, I am here with the blessings of Shri Rahul Gandhi Ji, the great leader of the party. As Devendra Ji has said, I came in touch with him during my 2 very important duties assigned by the competent authority. That was Punjab leg of Bharat Jodo Yatra, and second time when Rahul ji went to Darbar Sahib, Golden Temple Amritsar, for seva. I am thankful to Rahul ji, Venu Gopal ji, Khadge ji, Davinder ji, Pavan Kheda ji, Baiju ji, and staff at AICC headquarters, that I am here before all of you. At the very outset, again, I am grateful to Rahul ji, the leader of Congress, who and Khadge ji, Venu Gopal ji, that they accepted me to be the member of this party, and it gives me immense pride. My gratitude to my colleagues in Punjab Congress Party, markedly Raja Vading ji, Sukhjinder Randhawa ji, Pratap Bajwa ji, and others who warmly accepted me to be their team member. Whatever duty the party will assign, I will perform my duty in a dedicated manner. I am also thankful to my better half, who at every step helped me to arrive at this decision.